नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वेजिटेरियन डिश बनाने जा रहे हैं जो वेजिटेरियन तो है लेकिन थोड़ी स्वीट है, थोड़ी टैंगी है, थोड़ी स्पाइसी है, थोड़ी अलग है। तो क्यों अलग है? क्योंकि उसमें एक ऐसी सॉस पड़ती है जो बिल्कुल अलग है। जी हाँ, हम आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल स्टर फ्राई विथ स्वीट चिली सॉस। आइए देखिए रेसिपी हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, वेजिटेबल स्टर फ्राई बनाने के लिए ताज़ी ताज़ी सब्जियां चाहिए। सब्जियां जितनी ताज़ी होंगी इस डिश में उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा। ये देखिए, हमने रंग बिरंगी ताज़ी ताज़ी सब्जियां ली हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो ली हैं। यहाँ पर हमने लिया है कॉलीफ्लावर, साथ में लिया है हमने कटे हुए गाजर, साथ में इसके येल्लो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और फ्रेंच बीन जिसे हमने एक एक इंच के टुकड़ों में काट लिया है। तो ये थी हमारी सब्जियां, साथ में हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च, नमक, केचप, रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस और स्वीटनेस के लिए हनी। और साथ में इस डिश में जाएगा कटा हुआ लहसुन और कटा हुआ अदरक, बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। तो चलिए अब सबसे पहले बनाते हैं हम अपनी स्वीट चिली सॉस। सॉस बनाने के लिए हमने एक छोटे से वेसल में लिया है सोया सॉस, उसके साथ हमने डाली इसमें हमारी रेड चिली सॉस, जितनी स्पाइसी चाहिए उतनी डाल लीजिए आप। साथ में हमने डाली इसमें हमारी केचप, स्वीटनेस के हिसाब से ले लीजिए। बस देखिए कि ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसमें गया नमक, नमक बिल्कुल ध्यान से डालिएगा क्योंकि सारी सॉसेस में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही यूज़ कीजिएगा। ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी टेस्ट के अनुसार डालिए इसमें। अब जाएगा इसमें हमारा कॉर्नफ्लावर, हमारा थिकनिंग एजेंट जो हमारी सॉस को थिक करेगा, ये करीबन 1.5 चम्मच लिया है हमने। और अब थोड़ी सी खटास के लिए विनेगर, करीबन 1 चम्मच। अब इन सब सॉसेस को मिलाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हनी, स्वीटनेस भी देगी और जब मिक्स हो जाएगी इन सब सॉसेस के साथ तो मज़ा आ जाएगा। अब लेंगे हम अपना आधा कप पानी सॉस के लिए। तो देखिए सॉस बिल्कुल तैयार है, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लावर इसमें अच्छी तरह घुल जाए, उसके लम्ब्स ना रहें, बिल्कुल स्मूथ सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस सॉस की। बस हिलाते रहिए जब तक ये सॉस एकदम अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। बनानी शुरू करते हैं वेजिटेबल स्टर फ्राई। सबसे पहले 1.5 बड़ा चम्मच तेल जाएगा पैन में, और जैसे ही ये तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे हमारे कटे हुए लहसुन को और साथ में हमारे कटे हुए अदरक को भी। जी हाँ, बारीक लहसुन, बारीक अदरक। बस अभी इसे हल्के हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी चीज़ को हमने इस डिश में ओवर कुक नहीं करना है, जितना डिश का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले जाएगी इसमें हमारी कटी हुई गाजर, गाजरों को भी अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लेंगे, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं पकाएंगे। फिर गई इसमें गोभी, हमारी कॉलीफ्लावर, हाँ, देखिए रेड एंड वाइट क्या कलर कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ गया। बस स्टर करते रहिए, हर सब्ज़ी में क्रंच रहना चाहिए इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। अब बीन्स डालिए, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है अभी से, हाँ, बस स्टर कीजिए। अब आया समय इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पेपर। चलिए तो देख लेते हैं, नमक आ गया, अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च। बस नमक और काली मिर्च ज़रा ध्यान से डालिए, कम ही डालिए क्योंकि हर चीज़ में नमक और काली मिर्च डालिए, सॉस में भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इस नमक, काली मिर्च और सब्जियों को हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। अब दो सब्जियां रह गई हैं, अब उनकी बारी आ गई है। जी हाँ, लाल पीला यानी कि रेड एंड येलो पेपर्स, ये गए और देखिए इस डिश की खूबसूरती कितनी बढ़ गई है। बस हल्के हल्के मिलाइए, ज़्यादा कुक नहीं कीजिए ताकि जब खाएं तो उनमें हर सब्ज़ी का स्वाद आए और क्रंच आए। अब इस डिश का मेन आइटम यानी कि हमारी स्वीट चिली सॉस, ये गई इन सब्जियों के अंदर। अब इन्हें हल्के हल्के हाथों से मिला लीजिए ताकि सॉस अच्छी तरह सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। बस हमारी डिश बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए, बस फिर 1-2 मिनट और पकाएंगे और वेजिटेबल स्टर फ्राई एंड स्वीट चिली सॉस बिल्कुल तैयार। ये देखिए सब्जियां उबल गई हैं, तो देर किस बात की, डिश बिल्कुल तैयार है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए अब हम गैस करेंगे बंद
और इस डिश को करेंगे सर्व। इस डिश को आप एंजॉय कर सकते हैं फ्राइड राइस के साथ, वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ या प्लेन राइस के साथ भी। और अगर आपके पास मशरूम्स हैं तो वो भी आप डिश में डाल सकते हैं, ब्रोकली भी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं। तो बस एक्सपेरिमेंट करते रहिए और मज़ा लीजिए वेजिटेबल स्टर फ्राई का। तो बस दोस्तों, इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए, हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तब तक खुश रहिए, खाते पीते रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।